कक्षा ग्यारह के स्टूडेंट्स ध्यान दें, हम जो है कि रसायन विज्ञान पढ़े थे और उसमें जो है कि पहला चैप्टर हमारा था परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में हमने जो है कि देखा था जो कि जो डाल्टन का परमाणुवाद था उसको देखा था हमने, और परमाणु के बारे में देखा था, और फिर जो है कि उसमें क्या कमियां थी डाल्टन के परमाणुवाद में और उसको जो है कि कैसे कैसे सही किया गया, और जो हमारा आधुनिक परमाणु संकल्पना है या आधुनिक परमाणु संरचना का जो सिद्धांत है उसका जो विकास किस प्रकार हुआ और उसमें कौन कौन से सिद्धांत कार्य करते हैं उनको हमने संक्षिप्त में देखा था। तो पहला हमने देखा था कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आपका ये जो कि पहला हमने देखा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड किरण प्रयोग, कैथोड किरण प्रयोग। तो कैथोड किरण का जो प्रयोग है ये जो है पहला हमने देखा था, इसको देखिए हमें पढ़ना है। हम जो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है उसको पहले जो है मतलब विलियम क्रूक्स और जूलियस पार्कर, विलियम क्रूक्स एंड जूलियस पार्कर, ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था एक बार, लेकिन ये जो है कि दोनों कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए थे उससे कि क्या उसका निष्कर्ष, उससे क्या मिला उनको कुछ पता नहीं चला। इसी एक्सपेरिमेंट को जो है जे.जे. थॉमसन ने रिपीट किया, जे.जे. थॉमसन जो था उसने इन्हीं दोनों के एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया और कुछ निष्कर्ष निकाले। तो हम पहले देखते हैं कि वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था क्या और फिर जो कि क्या क्या निष्कर्ष इसने निकाले वो हम देखेंगे। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो है कि हम एक ट्यूब लेते हैं जो कि कांच का बना होता है, और फिर जो है कि उसमें हम जो उसमें दो छिद्र बनाते हैं। ये जो कैथोड रे है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम जो कि एक ट्यूब लेते हैं जो कि कांच का बना होता है, इस तरह का होगा ये आपका, देखिए ये इस तरह का होगा, ये जो कि 60-70 सेंटीमीटर बताया जाता है कि 60-70 सेंटीमीटर जो कि लंबा आपका कैथोड रे ट्यूब होता है, इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब जो कि कांच का बना होता है। और जो है इसमें एक तरफ कैथोड लगा होता है और एक तरफ एनोड लगाता है, मतलब कि ये धातु की प्लेटें लगी होती हैं जिसका कि जो है कि एक जो प्लेट है वो उच्च विभव पर होगी और दूसरी प्लेट निम्न विभव पर होती है। इनको जो है कि बाहर बैटरी से जोड़ा जाता है या फिर किसी बाहर वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है और इस पर रखिए इसको विभव दिया जाता है, यानी कि जो कि आपका धनात्मक विभव वाला प्लेट होगा इसको कि हम एनोड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोड, इसको एनोड बोलते हैं, और यह आपका कहलाता है कैथोड। अब हम एनोड और कैथोड तो ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें और क्या होता है। तो इसमें जो है एक यहाँ पर छिद्र होता है जिसकी सहायता से जो है इसमें एयर की मात्रा जो है वायु की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, और इसका जो है कि प्रेशर, इसमें जो प्रेशर है उसको देखिए नियंत्रित किया जा सकता है। तो जब जे.जे. थॉमसन ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने जो है पहले इसका जो कि प्रेशर जो है ये 10^-3 mmHg तक कम किया, ये जो है इतना न्यून प्रेशर जो कि इतना कम प्रेशर लिया, और यहाँ पर जो वोल्टेज था उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया 10,000 वोल्ट तक, जो वोल्टेज लिया था उसने 10,000 वोल्ट लिया था, और ये जो कि 10^3 mmHg पारा का जो कि ये प्रेशर लिया था, ठीक है। इतने कम प्रेशर और इतने अधिक वोल्टेज पर इसमें जो कि यह एक्सपेरिमेंट जब रिपीट किया जो कि जूलियस पल्कर और विलियम क्रूक्स द्वारा किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट को जब इसने रिपीट किया तो उसने क्या देखा कि कुछ जो है इसमें मतलब करंट फ्लो होना शुरू होता है, इसमें जो है कि करंट फ्लो
शुरू होता है और उसके साथ ही करंट फ्लो होने के साथ ही इसमें जो है कि इस मतलब इस कैथोड पर जो है मतलब चमक उत्पन्न होती है जो कि हरे रंग की चमक दिखती है। और यह चमक जो है कहाँ से आती है, तो इस कैथोड से जो किरणें निकल रही हैं वही जो है इस पर चमक उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो इसको जो है कि हम लोग कहते हैं नहीं, यहाँ जो है आपका इससे नहीं निकलती है बल्कि ये किरण जो है इस कैथोड से ना निकलकर और जो कि इस कैथोड से निकलती है इधर से और इधर जो कि इस पर चमक उत्पन्न करती है। तो कुल मिलाकर जो है कैथोड किरण मतलब ये जो किरण निकल रही है वो कैथोड से निकलती है, कैथोड से निकलती है और इस एनोड पर जो है हरी दीप्ति उत्पन्न करती है जिसको कि हम फ्लोरिसेंस या प्रतिदीप्ति बोलते हैं। फ्लोरिसेंस फ्लोरिसेंस या प्रतिदीप्ति, क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्ति बोलते हैं। तो हरे रंग की जो है चमक उत्पन्न करती है, कैथोड से निकलती है और एनोड पर जो है हरे रंग की दीप्ति उत्पन्न करती है जिसको हम की प्रतिदीप्ति बोलते हैं या फ्लोरिसेंस बोलते हैं। अब यह फ्लोरिसेंस जो है यह जो चमक उत्पन्न हो रही है इसी चमक के कारण चमक को जो है कि ये चमक का इसने अध्ययन किया तो उसने पता लगाया कि कैथोड से जो है कि कुछ किरणें निकल रही हैं जो कि एनोड पर पड़ रही हैं और उनके कारण जो है कि यह चमक उत्पन्न हो रही है या फ्लोरिसेंस उत्पन्न हो रहा है। उन किरणों को जो है बोला इसने कैथोड रे, क्योंकि ये किरणें जो है कैथोड रे से निकलती है, कैथोड से निकलती है, कैथोड प्लेट जो है हमारी उससे निकलती है, इसलिए इसको जो है कैथोड किरणें कहा गया। अब कैथोड किरणें जब इसने कहा तो उसके बारे में जो है कि कुछ और भी अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर जो है कुछ निष्कर्ष दिए उसने। तो पहला अध्ययन उसने ये किया कि जो हमारा एक कैथोड रे ट्यूब है इसमें जो है कि एक बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के लिए इसने इसमें एक व्हील रखा, क्या रखा, एक व्हील रखा, जैसे ये आपका जो कि मानते हैं कि यह आपका ट्यूब है और यह आपका ट्यूब है, यहाँ जो कि कैथोड है मानते हैं और यह एनोड है। ठीक है, तो कैथोड से कुछ किरणें निकली तो यहाँ बीच में इसने क्या किया, एक जो कि मतलब व्हील टाइप का रख दिया, जो कि ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। और इसकी जो है जब इधर से एक किरण निकल रही है, कैथोड है हमारे मानते हैं, इससे जब किरण निकल रही तो यह कि यहाँ पर आकर तो टकराए लेकिन इधर जो है इसका छाया बनता है, यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब बना ऐसा है इस एनोड पर, इस एनोड का जो है इस कैथोड किरणों के कारण इस जो आप यहाँ पर पहिया रखे हैं उसका जो है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बना इस तरह का इस कैथोड पर। तो इससे पता चलता है ये जो किरणें हैं ये किरणें जो है कि सीधे रेखा में चल रही हैं और इसलिए जो है कि ये जो किरणें हैं इस पहिए के द्वारा कुछ रोक दी जाती है, सीधी चल रही है इसलिए रोक जाती है और यहाँ पर जो है कि छाया उत्पन्न होती है। तो इससे यह पता चलता है कि जो आपकी कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। दूसरी बात कि यहां पर एक जो पहिया है इस तरह का, इस तरह का मानते हैं कोई पहिया रखा इसने गोल सा और इधर जो कि आपका कैथोड है ये एनोड प्लेट है, ये कैथोड है और ये आपकी एनोड प्लेट है। तो इसको जब रखा है इसने तो ये जो किरणें जब आई, ये जो है जब कैथोड किरणें आई तो इसको देखिए मतलब नचाने लगी, इसको देखिए ये इसके अक्ष के पत्तर जो कि घुमाने लगी, मतलब इसमें जो कि रोटेशन पैदा कर दी। तो इससे यह पता चलता है कि इन किरणों में जो है गति ऊर्जा है जिसके कारण ये जो है कि इस पहिए को घुमा रही है। तो यहाँ पर दूसरा इसने निष्कर्ष निकाला कि ये जो कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणों में
गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ये जो है दूसरा निष्कर्ष इसने निकाला। तीसरा निष्कर्ष इसने यह निकाला कि जब इसमें गैस भर दिया जाता है, जब इसमें जो है कि गैस भर देते हैं हम, तो जो है कि इस गैस को आयनाइज करते हैं, इस गैस को जो है आयनाइज करते हैं, यानी इसको जो है कि आयनों में तोड़ देते हैं। ये जो कीड़े हैं इसमें जो है कि इसको आयनाइज करते हैं, इस गैस के अणुओं को जो है कि आयनों में तोड़ देते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ये जो कीड़े हैं, ये जो कीड़े हैं, ये जो कि इनमें आयनाइजेशन पावर भी होती है। इनमें क्या है? आयनाइजेशन पावर, आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण क्षमता भी होती है। यानी जो कैथोड किरण है वो जो है कि गैसों को आयनित भी करती है, अर्थात इनमें जो है कि आयनित करने की क्षमता होती है। चौथी बात कि जब इनके जो आपका कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ पर कैथोड और ये एनोड लगा हुआ है, कैथोड किरणें जो निकल रही हैं, इसके जब बीच में एक जो कि धात की पतली पन्नी रख लिया गया, तो इस पतली पन्नी को भी बेध कर जो कि एनोड पर चमक उत्पन्न करती है। अर्थात इससे पता चलता है कि ये किरणें जो हैं कैथोड किरणें, वो जो है कि किसी धातु की पतली पन्नी को बेध सकती हैं, यानी इनमें बेधन क्षमता भी होती है। तो कैथोड किरणों में बेधन क्षमता होती है, बेधन क्षमता होती है। और पांचवा निष्कर्ष इसने निकाला कि ये जो है जब यहां पर कोई फोटोग्राफिक प्लेट आसपास रख दी जाती है, तो उस फोटोग्राफिक प्लेट को ये जो कि खराब कर देती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। यदि इसमें कोई लड़की ऐसी गैस भर जाती है जो आयनाइज नहीं होती है, तो उसको ये गर्म कर देती है, यानी ये ताप दीप्ति उत्पन्न करती है, ये ताप दीप्ति उत्पन्न करती है, ताप दीप्ति उत्पन्न करती है। ताप दीप्ति उत्पन्न करती है, ऐसी को हम लोग इनकैंडिसेंस भी बोलते हैं, इनकैंडिसेंस भी बोलते हैं, इसको जो है ताप दीप्ति या इनकैंडिसेंस बोलते हैं। और जो कि जो स्फूर्त दीप्ति या प्रदीप्ति उत्पन्न कर रही थी, उसको हम जो है फ्लोरिसेंस बोलते हैं। तो जो कि स्फूर्त दीप्ति या प्रदीप्ति भी उत्पन्न करती है। और सातवां पॉइंट जो है कि इनमें द्रव्यमान होता है, क्योंकि हमने बताया अभी कि आपका जो कि इसमें गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में है मतलब उसमें द्रव्यमान है तभी गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि के बराबर हमेशा जो कि हाफ एम वी स्क्वायर आप जानते हैं। और यह जो है कि भी जब उसमें जब द्रव्यमान होगा तभी जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इनमें द्रव्यमान भी होता है, इनमें द्रव्यमान होता है। और आठवां जो निष्कर्ष निकाला उसने कि जब किसी अन्य जो कि अन्य विद्युत स्रोत को वहां पर जाके लाया जाता है कैथोड रे ट्यूब के पास में, जैसे मानते हैं यहाँ पर जो कि आपकी ये कैथोड रे ट्यूब है, मानते हैं जो है मानते हैं कि कैथोड रे ट्यूब है, और यहाँ पर ये एनोड है, ये कैथोड मानते हैं और ये एनोड है। तो जो कि कैथोड से किरणें निकलेंगी और इस पर जो कि आ रही है, जो कि आ रही है, यदि हम जो कि इनके पास में यहाँ पर एक बाह्य विद्युत स्रोत लगा दें, इसको जो कि हम मानते हैं इसको जो है इस तरह से जाकर कनेक्ट कर देते हैं,
ये जो कि आपका प्लस है और ये माइनस है, तो ये जो है ये किरणें जो है इस धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, ये किरणें जो है ये धन धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। इससे पता चलता है कि ये किरणें जो है ऋणावेशित है, इसलिए धनावेश की ओर आकर्षित हो रही है, अर्थात इस ये जो कि ऋणावेशित किरणें धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है, अर्थात ये जो कि किरणें ऋणावेशित है, ये किरणें जो है कि धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है, अतः इससे निष्कर्ष निकला ये किरणें जो है ऋणावेशित है, अर्थात ये जो कि ऋणावेशित किरणें होती है, इन पर ऋणावेश होता है, इन किरणों पर ऋणावेश होता है, इन किरणों पर ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है। अब जब ऋणावेश होता है तो ये देखिए कुछ जो है कि पॉइंट्स थे, इससे जो कि जो आपका जो जैसे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो कि पहले जो है जूलियस पल्कर और विलियम क्रूक्स ने किया था, उसी को इसने रिपीट किया था, और इन जो है कि इस प्रयोग के आधार पर ये 8 निष्कर्ष इसने निकाले थे। इन निष्कर्षों के आधार पर ही जो है कि उसने इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन की नेचर जो है कैसा होता है, ये सब जो है उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो जब ये जो है कि जब जे जे थॉमसन ने जो प्रयोग किया, तो उसके आधार पर जो कैथोड किरणों का ऋणावेश, कैथोड किरण इसे बताया कि कैथोड किरण ऋणावेशित होती है और इनमें द्रव्यमान होता है, ऋणावेशित होती हैं और इनमें द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो जब निष्कर्ष निकाला उसने, तो इस निष्कर्ष के आधार पर ही उसने जो की एक कण की खोज की और उस कण का नाम दिया कैट्रॉन। क्या नाम दिया? कैट्रॉन, जिसको कि बाद में एक साइंटिस्ट थे स्टोनी ने जो है इस कैट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया। क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार जो की इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो जो कि कैट्रॉन ही जो कि जे जे थॉमसन द्वारा कैट्रॉन नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन का, और उसका नाम जो है इलेक्ट्रॉन स्टोनी ने दिया। आगे हम जो कि अगले क्लास में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है और पढ़ेंगे।